हेलो स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर्स ऑन अबैकस, दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। अबैकस पे हम लार्ज नंबर्स कैसे शो कर सकते हैं ये देखेंगे आज हम। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक स्पाइक अबैकस है, इसमें कुछ बीड्स डली हुई हैं। इन बीड्स को काउंट करके हमें यहाँ पे लार्ज नंबर बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो आपका यहाँ पे स्टिक लगी होती है दैट इज ऑफ वंस, सेकेंड वाली जो है दैट इज ऑफ टेंस, देन थर्ड वन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड, देन 10,000। इट मीन्स जो हमारी प्लेसेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये स्टिक्स लगी हुई हैं, एंड स्टिक्स में बीड्स लगी हुई हैं जिनको हमें काउंट करना है और नंबर बनानी है। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं वंस पे कितने बीड्स लगे हैं। वंस पे बीड्स हैं टू, तो हमने नंबर लिख दिया यहाँ पे टू। जस्ट इसी के नीचे हमें नंबर लिखना है। अब बॉक्सेस बना लेंगे और फिर उसमें नंबर्स फिल करते चले जाएंगे। जो प्लेस है उसी के नीचे आपको नंबर लिखना है, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा। सेकंड, टेंस प्लेस के लिए, टेंस प्लेस में बीट्स है हमारी 1 2 3 4, सो वी हैव टू राइट 4। नाउ फॉर हंड्रेड्स प्लेस 1 2 3 4 5 6 एंड 7, so we write 7. then thousands place 1 2 3, then 3. 10,000 place 1 2 3 4 5 6, then we have to write 6. so the number is 6 3 7 4 2, or we can read as 63,742. Now the second one. First count these beads. 1 2 3 4 5 6 7. So we write 7 for the ones place. Next, tens place ke liye 1 2. 2 beads. So we have to write 2. 2 as a digit here. Then for hundreds place, ones, tens, 1 2 3 4 5 6 6, we have to write 6 now digit here. Now at thousands place 1 2 3, so 3. 1 2 3 4, so 4. Now we can read this number as 43627 or 43627. Now next, here at ones place, how many beads are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have to write 7. Now here at tens place, 1, 2, 3, 4, 5. So this is 5. At hundreds place, there is no bead. Koi bhi bead nahi hai yahan pe. So we have to write 0. Because here is no beads. Yahan pe koi beads nahi. To hum likhenge 0. 1, 2, 3, 4. 4. यहाँ पे 4 बीट्स है। नाउ वी कैन रीड एज 4057 और 4057। नाउ द नेक्स्ट वन, वंस प्लेस पे हमारे पास है 2, 2 बीट्स लिख दिया हमने डिजिट 2। देन टेंस प्लेस पे एक भी बीट नहीं है हमारे पास, नथिंग, सो वी हैव टू राइट 0। देन हंड्रेड्स प्लेस पे आपके पास 4 है, 1 2 3 4, 4 लिखिए। इस तरह से हमें लिखते जाना है। थाउजेंड में 1 बीट है, 10,000 में 1 2 3 4 बीट्स हैं, लैक में 1 2 3 3 बीट्स हैं, 10 लैक पे 2 बीट्स हैं। इस तरह से ये नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है, एंड वी कैन रीड एज लाइक दिस 23,41,402। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ हियर आर सम बीड्स इन द स्पाइक अबैकस। अब यहाँ पर अगेन देखना है हमें, वंस प्लेस पे हमारे 2 है, देन वी हैव टू राइट दिस 2। टेंस प्लेस पे 1, हंड्रेड्स पे 1 2 3 4 5 6, सो वी हैव टू राइट 6। एट थाउजेंड्स प्लेस 1 2 3 4 4, हमने लिखा 4। उसके बाद 10,000 पे 1 2 3 4 5 6 7 7 लिखेंगे। लैक पे 1s, 1 एंड 2, सो 2।
टेन लैख पे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लिखेंगे, सी पे सी यानी कि करोड़ पे आपका एक भी बीड नहीं है, सो वी हैव टू राइट जीरो। टेन करोड़, टेन करोड़ पे वन है, हमने लिखा वन, सो दिस इज द नंबर एंड वी कैन रीड लाइक दिस, टेन करोड़, टेन करोड़ 52,74,612। Now next, at ones place one bead is there, so we have to write one. Then at tens place 1, 2, 3, 4, 5, 6, so we have to write 6. Then at hundreds place 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमारे पास beads हैं, यहाँ पे 5 mark कर देंगे. Thousands place पे 1, 2, 3 हैं, इसके बाद 10,000 पे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है. लैख पे हमारा 1 है, 10 लैख पे 4, करोड़ पे 2 एंड 10 करोड़ पे नथिंग, 0, सो वी हैव टू राइट 0. नाउ रीड दिस नंबर, 1,41,73,561. तो ये आपने बच्चों देखा कि अबाकस पे हम लार्ज नंबर्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन.